हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो सबसे पहले अपनी जो स्प्लेंडर प्लस थी, फ्यूल गेज मीटर वाली जो वीडियो थी, उस पर 1,00,000 से भी ऊपर व्यूज आ चुके हैं, तो सभी भाइयों का दिल से शुक्रिया। तो आज हम करने वाले हैं होंडा SP जो BS6 वर्जन है, इसका जो फ्यूल टैंक है इसके ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं कि मिनिमम 1 लीटर पेट्रोल में इसका जो फ्यूल इंडिकेशन है वो कितना पॉइंट उठता है। तो सबसे पहले हमें इस बाइक में जितना भी पेट्रोल है वो निकालना पड़ेगा एक कैन में। तो सबसे पहले पेट्रोल निकालते हैं इस बाइक का, उसके बाद हम शुरू करेंगे आगे का प्रोसेस। तो अभी फिलहाल टैंक हमने ओपन कर लिया है और ये रहा पाइप, इसकी मदद से हम पेट्रोल निकालेंगे। ये रही कैन, तो इसमें देखते हैं कितना पेट्रोल निकलता है। जो भी निकलेगा सारा इसमें निकाल लेंगे और बिल्कुल एकदम खाली कर देंगे पेट्रोल टैंक को। उसके बाद हम फ्यूल इंडिकेशन जो पॉइंट है, पहला पॉइंट कितना लीटर में उठता है, कितना पेट्रोल इसमें डालने पर उठता है, तो वो आज हम चेक करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहना, एंड तक जरूर देखना वीडियो को, तभी पता लगेगा कि इसका जो फर्स्ट इंडिकेशन पॉइंट है फ्यूल इंडिकेशन का, अभी फिलहाल 1 पॉइंट दिखा रहा है। तो देखते हैं ये वाला पॉइंट कितने लीटर पेट्रोल में आता है। तो बाइक को साइड स्टैंड पे लगा लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर पेट्रोल निकलेगा। तो दोबारा स्टार्ट करते हैं, लगा लगा हिले भी पाइप को, हिला जल्दी ऊपर नीचे कर डाल दिया, हल्का लगाना पड़ता है। तो इसमें से जो पेट्रोल निकला है वो ये है। तो अब इसको हम नापेंगे, 1 लीटर की जो बोतल है अपनी, एक बार दिखा देता हूँ। तो ये अपनी 1 लीटर की बोतल है, इसके अंदर हम पूरा 1 लीटर मेजर करके और इस टैंक में डालेंगे। उसके बाद देखते हैं इसका जो पॉइंट है, ये ब्लिंक करना बंद करता है नहीं करता, अभी ब्लिंक कर रहा है। और बाइक स्टार्ट करके देख लेते हैं एक बार। मनी से स्टार्ट करियो, अपना पूरा का पूरा पेट्रोल निचोड़ दिया इसमें से, देख सकते आप, बिल्कुल भी सेल्फ नहीं ले रही है। पूरी तरीके से हमने इस टैंक में से पेट्रोल निकाल लिया है, देख सकते आप। टैंक खाली होने के बाद जो फ्यूल इंडिकेशन है वो इस तरीके से ब्लिंक करता है। तो अब डालते हैं इसमें 1 लीटर पेट्रोल। ले भाई मनीष डालियो, ये ऐसे करके रखा, ऐसे करके। तो देख सकते हो लगभग 1 लीटर ही पेट्रोल निकला है इसमें से। बस 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 बस, हमें 1 लीटर रखना है ना, थोड़ा सी फालतू है, मुश्किल से 100 ग्राम होएगा ये। तो फाइनली अभी रिजल्ट का टाइम आ चुका है, अपना 1 लीटर पेट्रोल हमने बोतल में निकाल लिया। तो अब इसमें डालते हैं, चल आ जा मनीष। हाँ डबल स्टैंड पे लगाते हैं। इसके बाद ही फाइनली ब्लिंक कर रहा है। तो अब इसमें 1 लीटर पेट्रोल डाल दिया हमने और यहाँ आप देख सकते हो जो ब्लिंक कर रही थी फ्यूल इंडिकेशन की, जो MPT वाला जो फर्स्ट मार्क है, पहली जो लाइन है, ये ब्लिंक करना बंद कर दिया है। 1 लीटर में
ये जो ब्लिंक करना बंद कर देता है, ये है होंडा एसपी 125, होंडा एसपी 125 जिसका फ्यूल टैंक 1 लीटर में, ये जो फ्यूल इंडिकेशन है ये ब्लिंक करना बंद कर देता है। पहली वाली लाइन है जो वो एक्यूरेट आती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही था, कंफर्म हो गया कि भाई 1 लीटर में होंडा एसपी का जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो ब्लिंक करना बंद कर देता है। आपको पता लग ही गया होगा कि इस बाइक में अगर फ्यूल गेज का पहला पॉइंट अगर ब्लिंक करता है तो समझ जाना कि 1 लीटर से कम पेट्रोल है। तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।